तो दोस्तों जियो ने तो कमाल कर दिया, फिर से एक बार जियो ने दिल जीत लिया है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि नहीं यार इतने जल्दी तो प्लान ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे नहीं यार इतना जल्दी जियो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो जियो की तरफ से कल एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आई है कि जियो वापस से एक्सटेंड हो गया है 30 जून 2017 तक। तो जी हाँ दोस्तों, आप जियो का प्लान वापस से फ्री में यूज़ कर पाएंगे 30 जून 2017 तक। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जियो की प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए आप लोगों को 99 रुपीज़ देना था और साथ ही साथ आपको रिचार्ज प्लान के नाम पे 303 रुपये का प्लान लेना था। तो अब जियो ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपने 99 वाला प्राइम मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है 31 मार्च तक, तो उसे भी एक्सटेंड करके 15 अप्रैल तक कर दिया है। तो फ्रेंड, जियो का जो डेटा है वो 30 जून तक फ्री में लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो पहला कंडीशन ये है कि आपने अगर 99 वाला जो प्राइम मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है तो 15 अप्रैल तक का आपके पास और समय है, आप जाके उस पैक को 99 वाले पैक को करा लीजिए। साथ ही साथ आपको 303 रुपये का एक प्लान उनका कराना पड़ेगा। अगर आपने दोनों साथ में 99 वाला प्लान और 303 का एक रिचार्ज कर लिया तो आपका वापस से जो जियो है वो 30 जून 2017 तक फ्री हो जाएगा। उसके बाद में ये 99 वाला और 303 वाला प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये करने से वापस से 3 महीने के लिए जियो जो है फ्री में मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर समझ लीजिए आपने सिर्फ 99 का रिचार्ज किया है और 303 का रिचार्ज अभी तक नहीं किया है, तो आपके पास वापस से 15 अप्रैल तक का समय है, जियो ने इसे भी एक्सटेंड कर दिया है। तो आप जाके फटाक से 303 वाला प्लान ले लीजिए, आपका जियो जो है वापस से जून तक फ्री हो जाएगा। 3 महीना आप वापस से फ्री में यूज़ कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपने अब 99 का प्लान नहीं कराया है और कोई रिचार्ज इसमें अभी अब तक नहीं कराया है आपने, तो आपके पास वापस से 15 दिन का समय है। आप पहले 99 का प्लान करा लीजिए, साथ ही साथ एक 303 वाला छोटा प्लान करा लीजिए ताकि आपका जो जियो है वापस से 3 महीने फ्री हो जाए। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि मान लीजिए अगर आपने 99 का प्लान कराया है और साथ ही साथ 500 रुपये वाला रिचार्ज करा लिया है जो जियो का बड़ा पैक था, तो भी आपको ये जो प्लान है फ्री वाला वो 30 जून तक मिल जाएगा। उसके बाद में आपका ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने रिचार्ज नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाक से 15 दिन का समय है आप लोगों के पास, जाके रिचार्ज कर लीजिए ताकि आपको 3 महीने गर्मियों की छुट्टी आराम से बिताने का मौका मिल जाए। और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि मान लीजिए अगर आपने सिर्फ 149 का प्लान करा लिया है, जियो की प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है, तो आपको ये जो प्लान है फ्री डेटा वाला ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको ये प्लान ऑप्ट करने के लिए सबसे पहला 99 का रिचार्ज करना है और 303 का रिचार्ज करना है। तो दोस्तों आखिरी बार बोल रहा हूँ कि 99 के साथ में आपको 303 रुपये का रिचार्ज करना ही पड़ेगा, तो जाके आपको जो जियो है 30 जून तक फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सभी लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि 15 दिन का समय उनके पास और है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो बनता है यार 3 महीने और फ्री है आपको नेट, तो सब्सक्राइब करते जाइए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जियो के प्लान के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। टिल देन मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।